हरीश गोदियाल ने दिया बयान, कहा हरीश रावत को लालकुआ भेजना हमारी भूल थी, हरीश रावत खुद रामनगर से लड़ना चाहते थे चुनाव। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस अपने नेता को नेता नहीं मानती, कांग्रेस के अंदर नजर आ रही गुटबाजी। कांग्रेस में कलह जारी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता बंसीधर भगत ने हरीश रावत पर कसा तंज, कहा हरीश रावत को राजनीति से लेना चाहिए संन्यास। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बंसीधर भगत को बनाया गया प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा ने जारी की अधिसूचना, राज्यपाल गुरमीत सिंह प्रोटेम स्पीकर को दिलाएंगे शपथ। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव के दौरान भी कांग्रेस में जमकर गुटबाजी रही होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरीश रावत को लालकुआं भेजना हमारी भूल थी, जबकि हरीश रावत तो खुद रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हम अखबारों की सुर्खियां नहीं बनना चाहते थे और उस टकराव से बचने के लिए हमने ये निर्णय लिया, लेकिन पार्टी के लोगों की तरफ से ही हरीश रावत को चुनाव हरवाया गया, भितरघात चुनाव पर हावी रहा और हरीश रावत चुनाव हार गए। ये सत्य है कि हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन रामनगर में होने वाले संभावित संघर्ष को टालने के लिए ये मेरी भी इच्छा थी कि रावत जी लालकुआ से चुनाव लड़े। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अगर इस रूप में मुझे भी दोषी समझते हैं कि उनको जबल से लालकुआ भेजा गया, तो मैं भी उस दोष में शामिल हूँ, लेकिन उसका मकसद उसके पीछे ये था कि कोई संघर्ष बाहर न दिखे, इस प्रकार की कोई बात नहीं हो, इसलिए उस संघर्ष को टालने के लिए हमने ये कोशिश की थी और ज़्यादा बेहतर और सेफ सीट उन्हें मुहैया कराई जा सके, ये वाली कोशिश थी। अब ठीक है, क्योंकि उसमें अपयश आया है, तो उस अपयश में अगर हम भी भागी हैं को तैयार हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर नाराजगी निकालने में जुट गए हैं। ऐसे में कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिल रही है। पहले प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, वहीं अब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत भी इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में बीच में कूद पड़े हैं। रणजीत रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर पैसे लेकर टिकट बांटने जैसा गंभीर आरोप लगाया है। रणजीत रावत ने कहा कि हरीश रावत ने पैसे लेकर टिकट बांटे, टिकट नहीं मिलने पर अब लोग हरीश रावत को ढूंढ रहे हैं। रणजीत रावत ने कहा कि हंगामे की वजह से कई लोगों का पैसा वापस भी किया गया है। तो देहरादून में ये बड़ी सियासी जो उठापटक चल रही है, ये दरअसल पार्टियों के बीच नहीं बल्कि पार्टी के भीतर ही चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस को जैसे ही हार मिली उसके बाद अब हार के पीछे मंथन की जगह दरअसल पार्टी के नेता आरोप प्रत्यारोप का जो दौर होता है उसको शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में अब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत का एक चौंकाने वाला और बेहद गंभीर बयान सामने आया है। आपको बता दें कि रणजीत रावत ने कहा है कि हरीश रावत टिकट लेकर पैसे बांटते हैं और अब ऐसे में जिन लोगों ने पैसा देकर टिकट लिया था अब वो लोग हरीश रावत को ढूंढ रहे हैं। रणजीत रावत ने कहा कि हंगामे की वजह से कई लोगों को पैसे वापस भी किए गए हैं। तो बड़ा आरोप देहरादून से, ये आपको बता रहे हैं सियासत की एक ऐसी खबर जहां कांग्रेस में कल ही जारी की खबरें शुरुआत से लेकर अंत तक अभी तक लगातार नजर आ रही हैं। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष हैं रणजीत रावत, रणजीत ने उन्होंने सीधे तौर पर हरीश रावत पर आरोप लगा दिया और कहा है कि हरीश रावत ने पैसे लेकर टिकट बांटे और टिकट नहीं मिलने पर अब लोग हरीश रावत को ढूंढ रहे हैं। दरअसल मैंने भी उस पोस्ट को पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2017 में मैं खुद रामनगर लड़ना चाहता था और रणजीत रावत ने जिद करी तो मैं अपने बड़े भाई और अपने आदर्श, किसी समय के आदर्श नेता हरीश रावत जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उन्होंने खुद स्वयं मुझसे कहा था कि सल्ट में तुमने बहुत सारे विकास कार्य कराए, उसके बाद भी सल्ट वालों ने तुमको हरा दिया और सल्ट वालों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें कही थी, उन चीज़ों को मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में कहूँगा, और मुझसे कहा कि तुम सल्ट की बजाय रामनगर लड़ो। जब मैंने रामनगर तैयारी शुरू कर दी तो लास्ट में उन्होंने अपनी मनसा एक दिन जाहिर की कि मैं तुम सल्ट चले जाओ। मैंने कहा जी मैं फुटबॉल नहीं हूँ, मैं पहले आपने कहा रामनगर लड़ो और अब करो सल्ट चले जाओ, तो ये संभव नहीं है।
कांग्रेस में हो रही गुटबाजी को लेकर बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री और वरिष्ठ नेता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस अपने नेताओं को नेता नहीं मानती, तो जनता क्या मानेगी। जिस तरीके से हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए प्रीतम सिंह को घेरा है, तो उसी तरह से माना जा सकता है कि गुटबाजी चुनाव से पहले भी बहुत ज्यादा कांग्रेस के अंदर थी और चुनाव के बाद भी बड़ी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर नजर आ रही है। कांग्रेस का जो सिरफुटोल है, राज्य की जनता और देश की जनता लगातार देखती रही है। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ है, इसीलिए हुआ है कि कांग्रेस दिग्भ्रमित रही है। आपस में कार्यकर्ताओं में उनका संघर्ष रहा है, एक दूसरे की टांग वो खींचते रहे और जिस तरीके से वो विरोध करते रहे अपने नेताओं का, अपने नेतृत्व का, तो उससे जनता में ये हो गया कि कांग्रेस बिखरी हुई है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी हरीश रावत जी कहते हैं, कभी वो कहते हैं, कभी कोई तीसरा कहता है। इसलिए कांग्रेस का ये अंदरूनी झगड़ा है जो सड़कों पर आ गया है, अब प्रदेश की जनता, देश की जनता जान गई है और उनको नकार चुकी है। तो उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत ने चुनाव हारने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज कसा है। बंसीधर भगत ने हरीश रावत को अब राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी है। कालाढूंगी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर बंसीधर भगत पहली बार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बंसीधर भगत उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। बंसीधर भगत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी है और कहा है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है। इतना ही नहीं, बंसीधर भगत ने कहा कि वो अगली बार खुद भी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उनके कामों पर आस्था व्यक्त की है और विशेष रूप से महिलाओं ने बहुत जबरदस्त उत्साह इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाया है। मैं उन माँ बहनों को भी आभार प्रकट करता हूँ, जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ, कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करता हूँ और एक नए युग का आरंभ। उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक वंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, विधानसभा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। बता दें कि वंशीधर भगत को राज्यपाल गुरमीत सिंह राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगे। तो वंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, विधानसभा ने ये अधिसूचना जो है इसको जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि वंशीधर भगत को राज्यपाल गुरमीत सिंह राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगे। चमोली में सीमांत नगर जोशीमठ पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने मुख्य बाजार में रैली के जरिए सीमांत के मतदाताओं का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। वहीं रैली में पारंपरिक पोशाकों में पहुंची महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टैक्सी स्टैंड जोशीमठ में एक जनसभा में कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक बद्रीनाथ राजेंद्र भंडारी सहित नगरपालिका अध्यक्ष जोशीमठ शैलेंद्र पंवार और ब्लॉक प्रमुख हरीश पंवार का फूल मालाओं और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। तो विधायक बद्रीनाथ राजेंद्र भंडारी की रैली की तस्वीर आप देख सकते हैं, चमोली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनका स्वागत किया गया और इस बीच भारी संख्या में समर्थक भी नजर आए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रैली में पारंपरिक पोशाकों में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी देखी गई और इनकी भारी भीड़ देखी गई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टैक्सी स्टैंड जोशीमठ में एक जनसभा में कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक बद्रीनाथ राजेंद्र भंडारी सहित नगर पालिका अध्यक्ष जोशीमठ शैलेंद्र पंवार और ब्लॉक प्रमुख हरीश पंवार का फूल मालाओं और गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, चमोली से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां विधायक बद्रीनाथ राजेंद्र भंडारी पहुंचे थे, जहां पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली और साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी इस भीड़ में नजर आए और इस भीड़ में जबरदस्त तरीके से नवनिर्वाचित विधायक का स्वागत और सत्कार किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आप हैं किडनी जैसी गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान, नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान।
जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta and I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The Dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में नए साल का, नई ऋतुओं का, नए फूलों के आने का संदेश लाने वाला लोक पर्व फूलदेई आज उत्तराखंड में हर जगह धूमधाम से मनाया जा रहा है। खुशहाली का ये त्यौहार आमतौर पर किशोरी लड़कियों और छोटे बच्चों का पर्व है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पूर्व DGP अनिल रतूड़ी ने प्रदेशवासियों को अपने ही अंदाज में फूलदेई लोक पर्व की बधाई दी। दोनों ने अपने संदेश में लोक पर्व से जुड़े लोकगीत को गाकर सबको बधाई दी। कहीं हम अपने समृद्ध पारंपरिक तीज त्योहारों को भूलते तो नहीं जा रहे? भले ही आज सोशल मीडिया कुछ हद तक हमारी परंपराओं को हमारी यादों में जिंदा रख रहा है, लेकिन सच तो ये है कि हम हमारी बहुत सारी समृद्धि भरी कीमती चीजें भूलते जा रहे हैं जो हमें प्रकृति और मानवीयता के करीब लाती है। उत्तराखंड में ऐसा एक समृद्ध पर्व है फूल संक्रांति, जो आज चारों तरफ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो कुमाऊं और गढ़वाल में मनाया जाने वाला फूल संक्रांति पर्व क्या है और इस लोक पर्व का क्या महत्व है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के दोनों मंडलों
कुमाऊं और गढ़वाल में मनाए जाने वाले कुछ लोक पर्वों में से एक विशेष पर्व के बारे में जो पौराणिक काल से देवी देवताओं, प्रकृति, ऋतुराज, बसंत और हिंदू नववर्ष के आगमन के लिए समर्पित है, वो है हर्षोल्लास और खुशहाली का पर्व फूल संक्रांति, जिसे कमाऊं में फूलदेही और गढ़वाल में फूल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये चैत्र मास के संक्रांति के दिन मनाया जाता है। बता दे, पहाड़ों में ऋतुराज बसंत के आगमन के दौरान प्रकृति में कई प्रकार के फूल, हरियाली और बसंत के बाहर से सारी धरती दुल्हन के समान सजी हुई दिखाई देती है। इसमें पीयूली के फूल का विशेष महत्व है। आज के विशेष लोक पर्व फूलदेही के बारे में हर गांव में बच्चों ने घर घर जाकर लोगों को देहरिया पर प्रचलित गीतों को गाते हुए कई तरह के इकट्ठा किए हुए फूल पत्तियों को डालकर लोगों को शुभकामनाएं दी, जिसमें पीयूली के फूलों को भी शामिल किया गया और हर घर से बच्चों को गुड़, मिठाई, पैसे, चावल और आशीर्वाद दिया गया। ये पर्व 20 दिन तक कई रूपों में चलते रहने वाला बसंत ऋतु का पर्व है। इस दरमियान बच्चे, बड़े, बुजुर्गों के सहयोग से घर और जंगल में तमाम देवी देवता, जंगली जानवर और प्रकृति को मनाने, पूजने के साथ साथ जंगल में अपने मवेशियों की किसी बाघ, भालू और जहरीले चार पत्तियों से सुरक्षा की मनोकामनाएं करते हैं। इन 20 दिनों के बच्चे बाग में बनते हैं और मवेशियों की सुरक्षा की हामी भरते हैं। वही इस त्योहार के बारे में प्रसिद्ध है कि ये सतयुग से शुरू हुआ था। इस कथा के अनुसार शिव कविलास अर्थात कैलाश पर्वत में सबसे पहले ये उत्सव मनाया जाता है। बता दें, पुराणों में वर्णित है कि जब शिव जी कैलाश में अपनी तपस्या में लीन थे और ऋतु परिवर्तन के कई साल बीत गए और संसार बेमौसम हो गया, तब कविलास में पीयूली खिली तो माँ पार्वती ने एक युक्ति निकाली नंदी और शिवगणों से उन्होंने कहा कि वे देव वाटिका में जाकर रंग बिरंगे फूल को इकट्ठा करके लाएं। माँ पार्वती ने नंदी और गणों के पीतांबर वस्त्र पहनाकर बालू रूप में बनाकर शिवजी के सामने फूलों की वर्षा करने को कहा। फूलों की खुशबू से संपूर्ण कैलाश महक उठा। इसे शिवजी की त्रंडा टूटी तो सभी ने एक स्वर में महादेव की प्रार्थना की और उनसे तपस्या में बांध डालने के लिए क्षमा मांगी। गुस्से से तिलमिलाए शिव जी ने अपने सामने सभी बच्चों को देखा तो उनका गुस्सा भी शांत हो गया। तब वो भी इस त्योहार में बच्चों के साथ शामिल हो गए। तब से यह त्योहार संसार में मनाया जाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो वहीं उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पारंपरिक ऋतु पर्व फूल संक्रांति और फूलदेही की धूम रही है। बता दें कि रविवार से शुरू हुई फूलदेही का त्यौहार उत्तराखंडी समाज के लिए विशेष पारंपरिक महत्व रखता है। इस त्यौहार को फूल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का मानव और प्रकृति से सीधा संबंध है। साथ ही ये ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु के आवागमन और स्वागत का प्रतीक भी माना जाता है। रुड़की में हरिद्वार रोड पर स्थित आरआर सिनेमा में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के लिए पहुंची हिंदू संगठनों से जुड़ी साध्वी प्राची ने फिल्म देखने के बाद फिल्म को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटना की सच्चाई बताया है। उनका कहना है कि आज हम कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई घटना की सच्चाई देखने के लिए आए हैं। फिल्म में कश्मीर की सच्चाई को देखने के बाद हमें काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ घटना हुई है उनकी स्थिति को समझते हुए हमारी भी हिम्मत टूट गई है। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने प्रधानमंत्री से द कश्मीर फाइल को जल्द ही टैक्स फ्री करने की मांग भी की है। इस दौरान जब साध्वी प्राची से पूछा गया कि कुछ लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं और बैन करने की मांग कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि जो लोग विरोध करने वाले हैं वो दरअसल जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें अपनी मानसिकता बदल लेनी चाहिए। रुड़की में आरआर सिनेमा के अंदर कश्मीर के हिंदुओं की जो रियलिटी दिखाई है उसको देखना है। रियलिटी को देख कर के वास्तव में हमें तो देख कर के बेहद दर्द हो रहा है। जिन लोगों ने उन विषम परिस्थितियों को भोगा है, उस दर्दनाक हादसे को सहन किया है, उन लोगों की हिम्मत समझती हूँ। वास्तव में आज मैं भी, मेरी भी हिम्मत टूट गई।
इसको दे। हाँ, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से प्रार्थना करूँगी कि इस कश्मीर पिक्चर का टैक्स फ्री किया जाए और युवाओं को जरूर दिखाया जाए, कॉलेज में बच्चों को जरूर दिखाया जाए, हर हिंदुस्तानी को कश्मीर के ऊपर जो पिक्चर बनी वो देखनी चाहिए। रोशनाबाद के कोतवाली क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक घर से करीब 16 लाख रुपए की नकदी और 6 लाख के जेवर की चोरी हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस को आज सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही चोरों के पास से चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने चोरों को जेल भेज दिया है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विश्व प्रसिद्ध श्री गंगोत्री में जरूरी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया है। यात्रा के सुगम संचालन को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि धाम में घाटों के किनारे और यात्रा पड़ावों पर साफ सफाई, पार्किंग में आवश्यक कार्यों के निर्माण सहित अन्य व्यवस्थाओं को कपाट खुलने से पहले पूरा करना सुनिश्चित करें। तो उत्तरकाशी से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डीएम ने यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा है कि धाम में घाटों के किनारे और यात्रा पड़ावों पर साफ सफाई, पार्किंग में आवश्यक कार्यों के निर्माण सहित अन्य व्यवस्थाओं पर भी नजर बनाए रखें और कपाट खुलने से पहले उन्हें पूरा कराने की सुनिश्चित करें। चमोली के सीमांत नगर पालिका जोशीमठ के मुख्य प्रदेश द्वार पर स्थित नंदा देवी नेशनल पार्क के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के पास बने पालिका के कूड़ा डंपिंग जोन में जबरदस्त आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कूड़े के डंपिंग जोन में लगी आग ने आसपास के जंगल में फैलना शुरू कर दिया। हालांकि फायर ब्रिगेड, पुलिस, वन विभाग और पालिका कर्मी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।